क्या राहुल गांधी को बंगला वापस मिलने वाला है? मिलेगा तो कब मिलेगा? राहुल गांधी संसद कब पहुंचेंगे, यानी कि लोकसभा कब पहुंचेंगे, कब गरजेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरकार सजा पर रोक क्यों लगाई? ये सारी बातें, जितने भी सवाल, 7 से 8 सवाल हैं जो अब राहुल गांधी को पसंद करने वालों के जहन में गूंज रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब अगले 3 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थी, वो उन्होंने बताई नहीं है, यानी यहां पर राहुल को राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है, न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी, अंतिम निर्णय होने तक सजा के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ट्रायल कोर्ट के जो जज ने फैसला सुनाया है, जो सजा सुनाई है, वजह नहीं बताई कि आखिरकार अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इसी वजह से इस सजा पर रोक लगानी पड़ी कि भाई कोई ग्राउंड ही नहीं है तो आखिरकार आप अधिकतम सजा कैसे दे सकते हैं, वजह भी तो बताइए। यानी राहुल गांधी को आगे जब और इस पर मामले पर सुनवाई होगी तो उनकी जो 2 साल की सजा है वो कम भी की जा सकती है। फिर सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत मिलने के बाद अब आगे क्या होगा? तो राहुल की अपील पर दोष सिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अंतिम रूप से क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर निर्भर करेगा। 3 बातें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने वाला है। पहला है, क्या राहुल गांधी मानहानि मामले में दोषी हैं? दूसरा है, अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए? और तीसरा है, वो निर्दोष हैं और उन्हें बरी किया जा सकता है? अगर राहुल मानहानि के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो स्थितियां बनी रहेंगी, या फिर 2 साल की जो सजा पूरी उनको मिली है या फिर 2 साल से कम, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ सकता है लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव भी लड़ पाएंगे। अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर सवाल कि राहुल की सदस्यता कब तक और कैसे बहाल होगी? इस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनके संसद की सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने भी कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। जैसे ही कॉपी मिल जाएगी राहुल की संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। फिर सवाल यह कि सदस्यता जाने के बाद राहुल से बंगला खाली करा लिया गया था, अब क्या सदस्यता बहाल होने पर बंगला वापस मिलेगा और कब तक मिलेगा? तो आपको बता दें, सांसदों को बंगले का आवंटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशालय के जरिए किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक सदन की समिति है। ये समिति ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बंगले को आवंटन करने की सिफारिश करती है। सदस्यता बहाल होने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राहुल को बंगला आवंटित हो गया था और आगे भी हो जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि उन्हें 12 तुगलक रोड वाला बंगला ही वापस से आवंटित हो, उन्हें कोई दूसरा बंगला भी मिल सकता है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे, उसके जवाब मैंने आपको दे दिए। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।